तो देखिए यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा बवाल हुआ है। एक हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कई किसान घायल हैं। आरोप है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के समर्थकों की गाड़ी से किसानों की टक्कर हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ा और बात हिंसा तक पहुंच गई। इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त यह है कि इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भीड़ ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर को मार डाला है। घटनास्थल पर उनका बेटा मौजूद नहीं था। वो अपने बेटे की मौजूदगी से इनकार कर रहे हैं कि घटनास्थल पर जिस वक्त हादसा हुआ है जहां पर, वहां उनका बेटा मौजूद नहीं था। और साथ ही वो एक बड़ा आरोप लगा भी रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर को मार डाला गया है। तो ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो कुछ वहां पर हुआ, अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है और साथ ही देखिए यह तनाव बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो हिंसा, और हिंसा के बाद यहां पर जिस तरह से अजय मिश्रा, जिनके बेटे पर और साथ ही उनके समर्थकों पर आरोप लगा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बेटा वहां मौजूद नहीं था। और साथ ही वो ये जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। गाड़ियां धू धू कर जल रही है, घायलों को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। नाराज किसान मंत्री जी के समर्थकों को पीट रहे हैं और किसान रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने से वहां नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गालियां दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उसमें गाड़ियां चढ़ाई जा रही। कोई रोते हुए किसान की ये गुहार लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद की है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के समर्थकों की गाड़ियों ने विरोध कर रहे किसानों को कुचल दिया, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई और कई किसान घायल हो गए, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। नाराज किसानों ने गाड़ियों में आग लगा दी। कुछ किसानों की मौत और कुछ के घायल होने से वहां मौजूद सैकड़ों किसान भड़क उठे। उन्होंने मंत्री के समर्थकों को पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरें इतनी ज्यादा भयानक हैं कि उन्हें ब्लर करना पड़ा है। किसानों का आरोप है कि मंत्री के समर्थकों के काफिले की गाड़ी ने शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चढ़ा दी, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो गया। लगा था बहुत 200 की 100 की स्पीड में लेकर आ रहा था, रोड पे शांतिपूर्ण तरीके से सब प्रदर्शन कर रहे थे, साइड में सब लोग खड़े थे, जबरदस्त गाड़ी लेकर आया और सबके ऊपर चढ़ा दिया उसने, सब किसानों के ऊपर। कम से कम मरे हैं कितने, घायल हुए हैं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। दो किसानों को लेकर आए हैं। हिंसा की घटना के बाद पुलिस पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच गई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा गाड़ी में था या नहीं। दरअसल किसानों का दल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन हादसे के बाद उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हादसे पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने सफाई देते हुए कहा कि किसानों ने पथराव किया, जिसके दौरान ये घटना घटी। कार्यक्रम में हम लोग थे, हम तो बाद में आए हैं, हमारे बेटे उस कार्यक्रम को कराते हैं, वो वहीं पर मौजूद थे और कार्यक्रम हो रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, वो उनको रिसीव करने के लिए कोई गाड़ी जा रही थी। वहाँ पर कुछ आंदोलन कर लोगों ने, कोई अराजक तत्व होंगे, उन्होंने गाड़ी पर पत्थर फेंके तो ड्राइवर के चोट लगी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। उसमें कुछ इस तरह की घटना हुई है। वो ड्राइवर भी मौके पर कि उसके पत्थर इतने तेज लगा वो खत्म हो गया, इसी के कारण वो गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। इस तरह की घटना हुई है और फिर उन लोगों ने, बाकी लोगों ने वहाँ गाड़ी को फूंक भी दिया और इस तरह की घटनाएं। चूंकि यूपी में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई ना गाड़ी से चल पाएंगे ना उतर पाएंगे। लखीमपुर खीरी में किसान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ियों से किसान को रौंदा गया और कहा जा रहा है कि 2 से 3 किसानों की मौतें हो गई हैं।
ये क्रूरता कहां से आ गई है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध क्यों बढ़ गया है? अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहां से आ गए जो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो किसानों को बैठना मुश्किल कर दिया है? किसानों की अपनी शांतिपूर्वक मांगते हैं तो उनको रौन दिया जाएगा, कील कांटे उनके रास्ते में बिछा दिए जाएंगे और उसके बाद उनको गाड़ी से रौंदा जाएगा। अब ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चलेगी? मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उधर हादसे की खबर पाते ही किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि किसानों पर फायरिंग की गई है। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है वहाँ से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे, लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई। उधर कांग्रेस ने भी हादसे की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अजय कुमार मिश्रा और टेनी जी जो मंत्री हैं मोदी जी की सरकार में, उनके सुपुत्र ने प्रोटेस्टिंग किसान, जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको गाड़ी से रौंद दिया और तीन किसानों की घटना स्थल पर ही हत्या कर दी गई। ये किस तरह का राज है, ये किस तरह का शासन? और ये वही लखीमपुर है जहां पर चुनी हुई महिला, चुनी हुई प्रत्याशी, जो अगर आगे का चुनाव लड़ना चाहती थी, उसका चीरहरण हो रहा था और इन मंत्री महोदय के पास एक वक्त नहीं था, एक मिनट नहीं था जाकर उस महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने का। दिक्कत की बात यह है कि योगी जी की जो ठोको नीति है उसको शायद बड़ा सीरियसली सिर्फ मंत्री महोदय ने नहीं, उनके बच्चों तक ने ले लिया है। ये जाहिर है किसानों और बीजेपी के बीच का ये बवाल अब जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा है। कुछ ही महीने बाद यूपी में चुनाव है, इसलिए विरोधी इसे बड़ा मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना ये है कि इस हादसे की असली वजह क्या सामने निकल कर आती है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। किसानों का रोष एक तरफ, क्योंकि उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, अब केंद्रीय मंत्री की तरफ से सफाई उनके सामने आई है। केंद्रीय मंत्री जिनके बेटे पर आरोप है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप वो सुनिए। हजारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहां पर पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहां पर होता तो उसको भी पीट पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब किसान तो अजय मिश्र टेनी को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं और इन्हीं के बेटे और साथी समर्थकों पर यह आरोप लगा है। हालांकि वो इससे पहले ये कह चुके हैं कि उनका बेटा उस जगह पर जहां पर यह घटना हुई है वहां पर मौजूद नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार डाला गया, साथ ही उन्होंने एक ड्राइवर के भी मारे जाने की जानकारी दी। अजय मिश्र अब इस मामले पर सफाई दे रहे हैं। देखिए, दोपहर में यह घटना होती है लेकिन शाम अब जो कि रात का वक्त हो रहा है, अब वो इस पर सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उनका बेटा वहां मौजूद नहीं था, करके दूसरे स्तर पे गया था, इसलिए मेरा भी वहां पर पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहां पर होता तो उसको भी पीट पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब किसान आंदोलन में जो जुड़े हुए नेता हैं उनको समझना होगा कि उनके आंदोलन में अराजक तत्व न जुड़े, जिस तरह से वो देश में अशांति और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं उसी क्रम में इनका प्रयास है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आंदोलन से बाहर होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत दुखद मृत्यु। तो ये अजय मिश्र टेनी को आपने सुना, अपनी सफाई में वो ये कह रहे थे कि किसानों को समझना होगा कि उनके बीच कुछ अराजक तत्व मौजूद हैं जो उनके इस आंदोलन को भ्रमित कर रहे हैं। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ खास मेहमान भी हैं। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं लेकिन रणवीर से सबसे पहले अपडेट हम ले लेते हैं। रणवीर, ताजा अपडेट भी बताइएगा इस वक्त क्या है। देखिए, जो भी मामला हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने सीधे मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भेजा गया, वो पहुंच चुके हैं लखीमपुर। आईजी लक्ष्मी सिंह पहुंच चुकी हैं और जो किसान हैं उन किसानों ने जो दो शव थे जिनको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया था वो वहां से उन शवों को लेकर निकल गए। पोस्टमार्टम करने के लिए राजी नहीं है और कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर रख कर प्रदर्शन करने का कुछ उनका प्लान है। और इस बीच में भारी पुलिस फोर्स उस इलाके में मौजूद है। जो प्रभावित इलाका है वहां आसपास इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं और बहुत
बड़ा तनाव है और राजनीति इस मामले में हावी होती जा रही है। प्रियंका गांधी, संभव है राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, राकेश टिकैत, चंद्रशेखर आजाद, रावण, ये तमाम सारे नेता जो हैं ये लखीमपुर पहुंच रहे हैं और सबकी कोशिश ये है कि जो किसान आंदोलन अभी पश्चिमी यूपी में था वो इस घटना के बाद यूपी में फैले, किसानों में संदेश जाए। घटना जो हुई है आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूं। सरकारी कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्रा ट्रेनी मौजूद थे और इनको जो एनुअल कुश्ती का कार्यक्रम होता है अजय मिश्रा की तरफ से कराया जाता है उसमें जाना था और ये दोनों नेता निकलते उसके पहले कुछ गाड़ियां वहां जा रही थी जहां रास्ते में किसान खड़े थे और किसान विरोध कर रहे थे, हाथों में आप झंडा देख सकते हैं तस्वीरों में। इन किसानों ने गाड़ियों को रोका, कुछ वहां वाद विवाद हुआ, क्या हुआ ये फिलहाल किसी साफ नहीं है और उसी बीच में 6 लोगों की मौत हुई। अब केंद्रीय मंत्री का दावा है कि 4 ऐसे लोग जो उनके तरफ के थे, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर, उसकी मौत हुई और 2 बाकी जो किसान बताए जा रहे हैं। और इसमें कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें पिटाई के भी विजुअल्स है, तो तमाम सारे पहलू हैं। उन सारी पहलुओं के बीच में सच्चाई ये है कि तनाव बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया। जी, तनाव बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया। साथ ही एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है क्योंकि 6 लोगों की मौत हुई है और अब खबर ये मिल रही है कि उन 6 में से 4 किसान थे जिनकी मौत हुई है। 6 लोगों की मौत इस पूरे विवाद में हुई है, इस पूरे प्रकरण में, इस घटना में, जिनमें से 4 लोगों की पहचान हो गई है, हालांकि 2 की पहचान होना अभी बाकी है। संजय त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, 4 की शिनाख्त हो चुकी है, 6 लोगों की मौत हुई है इसमें टोटल? बिल्कुल, आधिकारिक पुष्टि हुई है 6 लोगों की हुई है जिसमें 4 किसान अब तक बताए गए हैं, पुत्र हरजीत सिंह ये बहराइच के रहने वाले हैं, गुरविंदर सिंह पुत्र सतविंदर सिंह ये नानपारा के रहने वाले हैं, लवप्रीत पुत्र सतनाम सिंह ये चौकड़ा रहने वाले हैं, नछत्तर सिंह निवासी धौरकरा खीरी, ये अभी तक 4 नाम किसानों के सामने आए हैं। जो ये भी दावा किया जा रहा है भाजपा की ओर से कि जो अन्य लोग हैं उनमें उनके कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, तो 2 शवों के भी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। और चूंकि कई जिलों से, कई प्रदेशों से किसानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि काफी खतरा उत्पन्न हो चुका है और आत्मसमर्पण राजनीति शुरू हो गई। चूंकि मुद्दा ही राजनीतिक था जब घटना हुई है, तो आप समझ लें कि जो मौके पर मौजूद किसान थे उनका आक्रोश भड़क चुका था और शुरू से ही जो कृषि कानून है उनको लेके पूरा का पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है। आज जब ऐसी घटना हुई है तो उसमें पूरा का पूरा विपक्ष भी घटनास्थल पर पहुंच रहा है, राकेश टिकैत के रात तक पहुंचने की संभावना। संजय, आप और जानकारी जुटाइए, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। देखिए, जाहिर तौर पर अब सियासी पारा इस पर काफी गर्मा गया है, कई सियासी नेताओं का वहां पर पहुंचना शुरू भी हो गया और कल सुबह भी कई बड़े नेता जाएंगे, लेकिन इसी बीच कुछ अहम जानकारी हम दे देते हैं। देखिए, लखीमपुर खीरी में ये पूरी घटना हुई है, आपको मैप के जरिए समझाते हैं, जहां किसानों की हत्या हुई है, कुल 6 लोगों की मौत हुई है जिसमें से 4 की पहचान कर ली गई है। लखीमपुर खीरी दिल्ली से ये दूरी है 452 किलोमीटर की और लखनऊ से अगर इसकी दूरी देखी जाए तो 130 किलोमीटर दूर है लखीमपुर खीरी, जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई है, जहां पर हिंसक इस झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 उसमें किसान हैं, क्योंकि किसान विरोध कर रहे थे और ये किसी बात को लेकर देखिए तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 6 लोगों की मौत हो गई। कौन कौन जा रहा है? कल लखीमपुर में विपक्ष का जमावड़ा होगा, अखिलेश यादव जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही है, चंद्रशेखर आजाद भी कल पहुंच रहे हैं लखीमपुर खीरी में। इस मामले पर अब सियासी पारा गरमाएगा, हम बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकार को छोड़ना नहीं चाहता इस मुद्दे पर। अखिलेश यादव कल सुबह 8 बजे पहुंच रहे हैं, इसके अलावा जयंत चौधरी भी कल होंगे लखीमपुर खीरी में, दीपेंद्र हुड्डा भी इसकी जानकारी दे चुके हैं कि वो प्रियंका गांधी के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, और राकेश टिकैत तो निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं लखीमपुर खीरी के लिए, जब भी वो पहुंचेंगे उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो विपक्ष का जमावड़ा लखीमपुर खीरी में होगा, क्योंकि बहुत बड़ी वारदात वहां पर हुई है, एक बड़ी घटना घटी है लखीमपुर खीरी में, किसानों का आंदोलन जिस तरह से हो रहा है लखीमपुर खीरी में भी, किसान विरोध कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का जो कि डिप्टी सीएम है, इस पर अब बवाल बढ़ गया है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं, ये कैसा हिंसक, कैसी हिंसक ये घटना हुई है? अभी जिन पर आरोप है, जिनके बेटे पर आरोप है, अजय मिश्र को भी आपने सुना होगा, वो तो ये कह रहे हैं कि किसानों को पहचानना होगा कि कौन है वो अराजक तत्व जो आप लोगों के आंदोलन में घुस रहे हैं किसानों के। देखिए,
इस लंबे आंदोलन को, इतने विशाल आंदोलन को जब कुचलने में जो है भाजपा की सरकार नाकाम रही, तो अब ये इतनी नीचता पे उतर आए कि इन्होंने किसानों को ही कुचलना शुरू कर दिया है। आज की जो घटना लखीमपुर खीरी में हुई है उसके बारे में स्पष्ट कर दूं कि ये किसान एक कार्यक्रम में काला झंडा दिखाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे, और वो जब विरोध कर चुके थे उसके बाद वो जब लौट रहे थे तो बहुत ही तेज रफ्तार गाड़ियों में 3-4 गाड़ियां निकली हैं, जिसमें ये अजय मिश्रा जी जो गृह राज्य मंत्री है, ये लोग और इनके जो बेटे हैं, इनके साथ अनेक गुंडे जिनके पास असला भी था, उन्होंने फायरिंग भी की और ये रौंदते हुए चले गए, कुचलते हुए चले गए। इस तरह की घटना लोकतंत्र में हमने आज तक नहीं देखी कि अगर आप किसानों के आंदोलन को नहीं कुचल पाए, आपने वहां पर हरियाणा में देखा किस प्रकार सिर फोड़ने की बात कही, यहां कुचलने की बात हुई। अरे भाई आप टैंक ले आइए, तोप आपके पास है, ये बॉर्डर पे जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं इनको सबको आप कुचल डालिए, इस देश के किसानों को मार दीजिए, खत्म करिए, ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। किस तरह की सरकार इस देश में जो है चिरंजी आ गई है, ये क्या हो रहा है इस देश में, इसको तत्काल रूप से जो है बर्खास्त करने की आवश्यकता है गृह राज्य मंत्री जी को, और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम करके तत्काल जो है इनको जेल में डाला जाए और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा किसान भाइयों को दिया जाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसका जो है कानून व्यवस्था की जो है जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, उसको जो है सुनिश्चित करने का काम किया जाए। भारी रोष पूरे देश के किसानों में है। ठीक है, आप जो है ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ। देखिए जो अजय मिश्रा ने कहा, क्योंकि अजय मिश्रा सफाई दे रहे हैं, 3 बजे की घटना हो गई थी लेकिन मैडम वो लोग वहाँ पर पूरा इतना उग्र थे कि हम लोग फिर क्या करते, फिर वहीं पर रुके रहे, बाकी पुलिस और ये सब लोग एक्टिव हो गए थे। ठीक है आशीष जी, एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स खेत में पड़ा हुआ है और कुछ लोग लाठी डंडों से उसे पीट रहे हैं। वो शख्स ड्राइवर है मेरा, वही गाड़ी चला रहा था मेरी थार जी, वो उसका नाम हरि ओम है, वो मेरा ड्राइवर है और वही गाड़ी बेचारा थार लेकर के गया। आशीष जी क्या नाम है आपके ड्राइवर का? हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम जी। अब वो इतना सीधा मैडम आदमी है, वो कोई भी बिल्कुल क्या कहा जाए, मतलब इस तरीके का घटना करना, आप ये तो ठीक है आशीष जी, यानी आप ये कह रहे हैं, आशीष जी एक मिनट सुनिए, मैं भी किसान हूँ। ठीक है आशीष जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी तो थी, आपका ड्राइवर था, लेकिन आप गाड़ी में नहीं थे, किसको लेकर जा रहा था आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी उस वक्त? मैडम हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे यहाँ एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारा अतिथि आता है तो उसको हम लोग रिसीव करने जाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई मंशा होती, तो ऐसी अगर कोई मंशा होती मैडम, तो दो तीन वाहन जाते खाली, अगर कोई ऐसी घटना होती जी, तीन वाहन में तीन वाहन थे मैडम, उसमें कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता थे। आशीष जी देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप ये लगाया है आप पर कि पहले आपने फायरिंग की, फिर उसके बाद आपने किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी, वो तो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर आप उस रास्ते से निकले थे। अच्छा मैडम, जब मैं वहाँ था ही नहीं, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, आप जैसे मान लीजिए आज की डेट में तो मैडम दुनिया बहुत आगे पहुँच गई, तो वहाँ पर कम से कम सैकड़ों ऐसे मोबाइल होंगे जो दंगल में चल रहे होंगे। ठीक है चलिए आशीष मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि आप घटनास्थल पर नहीं थे, आप मुझे बता सकते हैं कितनी दूरी रही होगी आपकी, आप उस वक्त कितनी दूर रहे होंगे घटनास्थल से? कम से कम मैडम 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर, जहाँ पर बनबीरपुर हमारा गाँव है, जहाँ पर दंगल होता है। आशीष जी ये बताइए मुझे, जब आपको सूचना मिली, जैसे आपने बताया कि आपको सूचना मिली, उस वक्त आपने क्या किया, आप घटनास्थल पर पहुंचे? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, कहाँ थे आप उस वक्त? हम वही मैडम दंगल वाले पर ही थे, वही थे, दंगल वाले ही स्थान पर थे, वही मंच पर ही थे मैडम, मंच पर मैं वहाँ उस। ठीक है आशीष मिश्रा जी, कौन सी जगह थी आप एग्जैक्ट बता पाएंगे मुझे जहाँ पर हम थे? जी जी, बलबीरपुर के पंचायत सरकारी स्कूल में, बलबीरपुर के सरकारी स्कूल में हम थे वहाँ। ठीक है, आप घटनास्थल पर नहीं गए, आपने किया क्या, आपने पुलिस प्रशासन को क्या इन्फॉर्म किया, सूचना दी उस वक्त? प्रशासन, डीएम और सब लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे, सब डीएम और एसपी और पूरा सरकारी अमला वहाँ पर मौके पर पहुँच गया था, वही थे। ठीक है अजय मिश्रा जी, अभी आप फिलहाल कहाँ पर हैं? हम मैडम लखीमपुर। आशीष जी आप अभी लखीमपुर में हैं? नहीं जी, यही जनपद जिला ही है। अच्छा आशीष जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षा घेरा में रखा गया है, चारों तरफ से सुरक्षा बल आपके साथ है, आपकी जान को भी खतरा है, सच्चाई है इस बात में?
नहीं, अब हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमको ये नहीं लग रहा है कि जो सच्चाई है, देखिए हम सत्य के साथ हैं, अगर सत्य है इस संसार में तो सत्य होना चाहिए बस। ठीक है, देखिए लगातार अजय आशीष मिश्रा जी, लगातार हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम दोनों पक्षों की बातें कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी से भी हमारी बात हुई थी, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। अभी जो विजुअल हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि आपके ड्राइवर को पीटा जा रहा है लाठी डंडों से, हरिओम नाम बता रहे हैं, उनमें से किसी को आप पहचानते हैं आशीष जी? किसको? जो लोग पीट रहे हैं आपके ड्राइवर को, जिनके हाथों में लाठी है? नहीं नहीं, हमारे जनपद के नहीं है, हमारे जनपद के नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सब बाहर, सब बाहर के हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में आशीष जी लोग कहाँ से आ गए? मैडम अब ये तो हमको क्या पता कहाँ से आ गए। नहीं आशीष जी देखिए, जी वो टिकैत जी बताओ कहाँ से आ गए जी। देखिए आपसे थोड़ी देर पहले, आपसे थोड़ी देर पहले आपके पिता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, देश के गृह राज्य मंत्री है वो, हमारे वो मेरे जीवन में जी, मेरे जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं, मेरे हम तो केवल एक अच्छा सा कार्यक्रम कर रहे थे, कुछ दैनिक कार्यक्रम जो हमारे यहाँ जीवन होता रहता है, करीब 35 सालों से चल रहा था, इस बीच में किसने क्या षड्यंत्र किया, क्या किया, क्योंकि हम बहुत राजनीतिक आदमी मैडम नहीं, हम लोग गाँव से जुड़े हुए आदमी। ठीक है आशीष जी, आप कह रहे हैं आप खुद भी एक किसान है, लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि आपके पिता की तरफ से, आपकी तरफ से लगातार भड़काने का काम किया गया, लगातार उनके आंदोलन को नीचा दिखाने का काम किया गया, धमकाने का काम किया गया। मैडम इतना हमको ज्ञान नहीं है, हमको केवल इतना ही लीजिए भैया जी से बात करिए, बता जी मैडम। आशीष जी, जी जी आशीष जी हैं आप हमारे साथ? हाँ आशीष जी हैं, बताइए मैम। आशीष जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा यही आपसे सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि कई किसान भी जो हैं वो घायल हुआ है, और हमारे पास तस्वीरें भी हैं, हम दिखा भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिखा देंगे आपसे थोड़ी देर में, वो किसान कैसे घायल हुए? वो मैम मैं कैसे बता सकता हूँ कैसे घायल हुए, वो एक बात बताइए, जो ये लोग घायल हुए हैं, जो लाठी चलाते हुए वीडियो है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से लाठी से पीटा जा रहा है, जीप गिराई जा रही है, जीप में आग लगाई जा रही है, वो वीडियो है आपके पास? वो भी वीडियो है, देखिए आशीष जी हम वो भी वीडियो दिखा रहे हैं, और देखिए अभी 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 एक वीडियो देखिए, जब दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं आशीष जी, वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए आशीष जी, आशीष जी आशीष जी आशीष जी देखिए सुनिए मेरी बात, हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब दूसरे विजुअल पे मैं सवाल पूछूंगी और आप कहेंगे आप वो नहीं दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं। अरे मैडम मैं वहाँ ना मौजूद था, गाड़ी कैसे वो घायल हुए, पूरी घटना जो लोग कार्यकर्ताओं ने बताई वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। अब ये लोग जो भी जा रहे थे रिसीव करने, उनकी गाड़ी पर जब पथराव हुआ, गाड़ी पलट गई आगे वाली जीप, उसके नीचे जो भी दबे एक दो लोग, उसके बाद फिर उन तीनों लोगों जो गाड़ी में थे तीनों मार दिए गए, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने घसीट के उनको मारा, लाठी डंडों से आग लगा दी, पीछे वाली गाड़ी में भी आग लगा दी, टोटल घटना ये है मैम। आप आशीष जी बोल रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी आवाज आपकी बदली हुई लग रही है। जी जी बोल रहा हूँ मैम, सुबह से जवाब ही दे रहा हूँ मैम दोपहर से, और भी पत्रकार मैम है, मैं सबको जवाब दूंगा, सब सच है तो सच है मैम। और मेरी रही बात मौजूद रहने की, मैं अखाड़े पर यहाँ पर कार्यक्रम था वहाँ पर था, क्योंकि उसका अध्यक्ष मैं हूँ, मैं ही कार्यक्रम करा रहा था। ठीक है आशीष जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, अब आगे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, पूरा देश उस वक्त आपको एबीपी गंगा पर देख रहा है, सुन रहा है। देखिए मैम सच बात यह है कि किसान इस देश के लिए है, उसके सम्मान भी हम लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पहले से ऐसी गतिविधियां रखना चाहते हैं जिससे कि अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो किसान नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो आपके घुसों बीच में जा करके ये सब माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने से दूर करें, उन अराजक तत्वों को पहचाने, और वो ठीक है आशीष जी, आशीष जी तो फिर देखिए आप जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है आप मान रहे हैं कि वहां पर चूक तो हुई है कोई ना कोई पुलिस प्रशासन से इतनी बड़ी संख्या में? हाँ, आप कह रहे हैं कि वो बाहर से आए हुए लोग हैं, कैसे आ गए बाहर से इतनी बड़ी संख्या में? जो अभी मैं नहीं, मैं देखिए मैम, हाँ पुलिस प्रशासन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं तो उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये घटना जो है क्यों घटी, कैसे घटी, प्रशासन का क्या है उनका अपना व्यू, वो सब आपके सामने रखेंगे,
लेकिन मैम मेन बात यह है कि जो भी मृत्यु हुई, जो गाड़ी के नीचे दबे हैं दो लोग, उनकी पहचान नानपारा बहराइच के निवासी के रूप में हुई है। ठीक है आशीष, एक बात का और जवाब दे दीजिए। आपने बताया आपके समर्थक थे, आपके कार्यकर्ता थे जिनके काफिले पर हमला हुआ, हमारे लिए भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो केशव प्रसाद जी को लेने जा रहे थे। बिल्कुल आशीष जी, ठीक है, आप मुझे बता पाएंगे कितनी संख्या होगी आपके कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, कहाँ पर, जो जो जा रहे थे रिसीव करने के लिए, जिस जिस काफिले पर हमला हुआ? तीन चार गाड़ी में थे, आगे वाली गाड़ी में चार पांच लोग थे और उसके पीछे दो तीन लोग थे, सब अलग अलग जगह के कार्यकर्ता थे, गाड़ियां सब वहाँ कार्यक्रम पे खड़ी थी, दो तीन गाड़ी लेके वो गए थे कि वो एक रिवाज होता है कि काले स्नान शिव जी के मंदिर पर माला पहना देंगे। ठीक है आशीष मिश्रा जी, आपकी फिर बातचीत हुई अपने उन कार्यकर्ताओं से जो फंसे थे वहाँ पर, उन्होंने एग्जैक्ट क्या बताया, कैसे निकल कर भागे वो उस भीड़ के बीच में से? नहीं, उनसे मैम हो रही लगातार, हम लोग उसी में सूचित में जो मिल रही है, सब कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, तो मैम यहाँ आए हैं। बताया उन्होंने कि वो कैसे वहाँ से निकल के भागे, क्योंकि हम भीड़ देख रहे हैं, बहुत भीड़ है, सबके हाथों में लाठी डंडे हैं, गाड़ी जो है वो तो पलटी जा रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ मैम, जो गाड़ी पलटी जा रही है उसमें बीजेपी कार्यकर्ता है, जो भीड़ है और लाठी है वो ही है वो जो किसान कह रहे हैं। ठीक है आशीष जी, देखिए जो हुआ वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तस्वीरों को नहीं नकार रहे हैं। बिल्कुल मैम आशीष जी, हम आपको आरोपी बनाने की मांग कर रहे हैं, किसान अड़े हुए हैं, आगे आपका क्या कदम होगा? अब मैम मेरा क्या होगा, जब सच्चाई है तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ था पूरा, उसका तो मैम ये तो नहीं कि कोई दंगल का बड़ा कार्यक्रम उसमें हो जाएगा, बंद कमरे में बहुत बड़ा था वो था और उसपे हजारों लोग संख्या में आते हैं, 50 साल पुराना कार्यक्रम है, सब जानते हैं, मंच पर लगातार मैं मौजूद रहा, एसडीएम डीएम वहाँ पर जो भी प्रशासन के लोग थे उन्होंने भी देखा, वीडियो भी हैं, फोटोज भी हैं, सब है उस कार्यक्रम में। मैं सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक जब समापन कर दिया है तब तक तो मैं वही था स्टेज पे। ठीक है आशीष जी, देखिए आपके पिताजी का बयान अब से कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रूट डाइवर्ट किया गया था, जब रूट डाइवर्ट था और प्रशासन को पहले से जानकारी थी तो उसी रास्ते से क्यों निकला काफिला? क्या आपके कार्यकर्ताओं को, आपके समर्थकों को जानकारी नहीं दी गई थी? नहीं मैम, नहीं नहीं, आप समझिए, ये जो जो रास्ते पे हुआ है इससे ही आगे जाके वो मैम कटा है, आगे से वो उधर से आ रहे थे तो उनको वहीं से उधर को कटना था, ये इधर वाला रास्ता छोड़ना था, हमको उनको वहीं बीच में पकड़ना था। ठीक, यानी आप ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही हुई है। आशीष जी, वो वीडियोस के बारे में आप क्या कहेंगे जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार किसान उसे मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप और आपके पिता लगातार आंदोलन पर भड़काऊ भाषण देते हैं, धमकाते हैं? मैम सारी सच्चाई है, आप जानती हैं, इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं जो बताना पड़े। कभी हम लोगों ने किसान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, कभी किसान से कुछ बोला नहीं। जो 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 भी किसान होगा मैम उसके साथ तो देश होता है, लेकिन क्या आप जो खुद कह रहे हैं कि इतनी भीड़ है, लाठी डंडा है, ये क्या तो किसान लग रहे हैं? ठीक है आशीष जी, देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुलाकात करेंगे आप उनसे, बात रखेंगे अपनी? जी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुँच गए हैं वहाँ पर, मुलाकात करेंगे आप उनसे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे? मैम जैसा अभी वहाँ पर जैसा प्रशासन कहेगा, जो हमसे पूछना चाहेगा वो बात होगी मैम, यानी आप पूरी तरीके से सहयोग करेंगे जांच में? अरे मैम क्यों नहीं करेंगे, और हम चाहते भी हैं इसकी हाई लेवल जांच हो, सच्चाई तो आए सामने कि आखिर का क्या हुआ, इसके पीछे किन लोग हैं, कौन किनका हाथ, ये आना चाहिए मैम, उनका पूरा सहयोग साथ में समर्थन, जहाँ जरूरत पड़ेगी वो जाँच सब कराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अपनी बातें रखी और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, जो वीडियो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक नीचे गिरे हुए शख्स को मार रहे हैं, उसके साथ उसके सर पर लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ये कह रहे हैं कि ये उनका ड्राइवर था, उनके साथ इस तरह की हरकत हुई है। अनुराग भदौरिया, इस पर कमेंट आपका, सुना आपने पूरी बात, आशीष मिश्रा को भी सुना, अजय मिश्रा की सफाई भी आपने सुन ली होगी। एक मिनट देखिए, जो पहले मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, एक मिनट आधे घंटे का धैर्य रखा। देखिए पुष्पेंद्र जी क्या कह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि वो आशीष की
नहीं नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के या देश के कह रहे हैं कि वो गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री की भाषा आपने वीडियो देखा क्या है, मैं दो मिनट में ठीक कर देता हूँ आदमी को, और सांसद विधायक तो मैं बहुत बाद में हूँ, उसके पहले जो लोग जानते होंगे अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं यहाँ पे रहना मुश्किल कर दूंगा, पलिया तो पलिया लखीमपुर भी छोड़ना पड़ेगा, ये गुंडे हैं क्या, इन पे तो FIR वैसे करके इनको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसा आदमी हमारे देश का राज्य का गृह मंत्री हो सकता है क्या, जो गुंडे दिखा रहा है खड़े होके, और उसके बाद उसके जो पुत्र हैं यहाँ पे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का वो यहाँ पे कहानी बता रहे हैं कि ऐसे इनोसेंट बन रहे हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को रौंदा है। और मैं तो आपसे, मैं तो सरकार से कहूंगा उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसकी। ठीक है अनुराग जी, 302 का मुकदमा होना चाहिए, और पहले मंत्री से ये कल तक, मैं तो प्रधानमंत्री से बोलूंगा और देश के मुख्यमंत्री से बोलूंगा सिफारिश करें ऐसे मंत्री का तुरंत इस्तीफा लें और इनके पेड़ 302 के जेल के अंदर डालें, क्यों आपने देश के किसानों को क्या समझ रखा है, देश के किसान को रोंते चले जाएंगे और बोलेंगे कुछ को बोलेंगे कार्यकर्ता थे, तीन कार्यकर्ता थे, चार वहां के मारे गए, जब कह रहे हैं चार किसान मारे गए हैं, जब चार किसानों की मौतें हो गई हैं तो तीन कार्यकर्ता कहां से आ गए, तो क्या ठीक है, एक सेकंड अनुराग जी, पुष्पेंद्र जी को सुन लूं भाई। मेरा कहना ये है कि एक मिनट बोलिए बोलिए पुष्पेंद्र जी, सुन रही हूं मैं आपको। देखिए श्रीन जी, जिस प्रकार की भाषा ये बोल के गए हैं श्रीमान जी, इनके मिश्रा जी के लड़के, और आपने भी इनसे प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए था कि वो तीन चार गाड़ियां आपकी थी कि नहीं थी, आपकी थी वो गाड़ियां, उनसे किसानों को कुचला गया है, घायल नहीं हुए किसान, घायल तो 10-12 किसान अलग हुए हैं, उसके अलावा जो 8-10 किसानों की वहां मौत हुई है दुखद, उसके विषय में उनसे पूछा जाना चाहिए था, वो वहां थे या नहीं थे। अरे भैया आपके कार्यकर्ता थे, आप थे, और आपके पिताजी ने 4-5 दिन पहले खुला चैलेंज दिया इनको कि आप सामने आ जाइए, हम लड़ेंगे आपसे, हम आपको भगा देंगे, खदेड़ देंगे, लखीमपुर में रह नहीं पाओगे। अरे किस किस्म के गुंडों को आपने गृह मंत्री की जो है वो पद पे बैठा दिया, इनको तत्काल प्रभाव से जो है बर्खास्त करना होगा, इनको बर्खास्त किया जाए, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया जाए, और इस कसम की घटना किसी हालत में होनी नहीं चाहिए इस देश के अंदर। अराजकता फैला रखकर के जो है बैठे हुए हैं इस देश में, किस तरह के लोगों को जो है पदों में बिठा दिया गया है। ठीक है, शिवम त्यागी भी मेरे साथ हैं। शिवम त्यागी, क्योंकि अब इस मामले में देखिए 6 लोगों की मौत हो गई और ये पुष्टि हो गई है कि 4 उसमें से, क्योंकि पहचान हो गई है 4 किसान हैं। इस पूरे मामले पर भले ही अब अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा सफाई दे रहे हों, लेकिन 4 किसानों की मौत हुई है और साथ ही 2 लोग भी हैं, टोटल 6 लोगों की जान गई। मुझे लगता है सरीन जी कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल संवेदनाएं हैं और ये जो हुआ बहुत ही दुखद हुआ अपने आप में, कहीं ना कहीं इस चीज को देखने की आवश्यकता है, और सबका जो है सिर्फ मुआवजा ही काफी नहीं, अगर एक भी व्यक्ति की जान गई है जो कि हुआ है, ये अपने आप में गलत है, किसानों के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन और जितने भी लोग वहां पर जिनकी भी जान गई है, कहीं ना कहीं इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात ये भी है, लगातार आपने देखा होगा मैं जिस तरह से ये हुआ, मैं कहता हूं कि अगर ये दुर्घटना हुई है, जो भी ये दुर्घटना हुई है, अपने आप में बेहद दुखद है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर ये भी है, आप मुझे बताइए पंजाब में भाजपा के विधायक को कपड़े निकालकर मारकर पीटा गया, दौड़ाया गया, क्या किसी विधायक ने मारा, क्या किसी विधायक ने किसी किसान को लाठी मारी, एक चीज बताइए। हरियाणा में हेलीपैड खोदा गया, क्या किसी किसान को मारा या पीटा गया, बताइए। इसके अलावा बताइए, अनुराग भदौरिया एक सेकंड थोड़ा आराम से बात कीजिए, सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, आपके पास आऊंगी, अपनी बात रखिएगा, एक सेकंड। आप पॉलिटिकल स्कोर नहीं कर सकते हैं आप, सुनिए। तो तमाम तरह की चीजें हुई, एक पुष्पेंद्र जी ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया, मैं बात हूँ बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से कि अगर मंत्री जी की गाड़ियां थी कि नहीं थी, बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन आपके जो ट्रैक्टर ये दिल्ली में लाल किला रौंद रहे थे, ये ट्रैक्टर आपके थे कि नहीं थे, महिलाओं के साथ महिलाओं पत्रकारों को पीटा जा रहा था, आपके ट्रैक्टर थे कि नहीं थे, आंदोलन के किसान लाल किले पर चढ़ गए, आपके किसान थे कि नहीं थे। मैं कहता हूं घटना में अगर किसी ने भी कुछ भी किया है और जरासी भी कोई इस तरह उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर बैठ के चिल्लाने का मतलब नहीं, मैं चाह रही थी कि इस पर एक डिस्कशन हो, हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट। अनुराग आप चिल्ला इतना रहे हैं, कुछ सुन नहीं पाएगा आपको इस तरीके से, जल्दी से बात खत्म कीजिएगा शिवम अपनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पॉलिटिकल स्कोर करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे पुष्पेंद्र जी हो चाहे अनुराग भदौरिया हो, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। और हाँ अच्छा ठीक है, चलिए एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। देखिए योगी सरकार की एक बड़ी बैठक हो रही है पूरे प्रकरण पर, साथ ही
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार को इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई जो भी अभी तक की जानकारी है वो दी है। बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।